सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर्यन ब्लॉग्स। सो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, होप सब बढ़िया होंगे, आगे ही बढ़िया रहना। तो भाई आज मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ प्रो राइडर एक्सीडेंट से रिलेटेड। तो आज बात होने वाली है उस इंस्टा 360 के बारे में। उस पर एक क्लिप वायरल हो रही है जिसपे एक बंदा खड़ा है, इसके फेस पे एक इमोजी लगा दी गई है एंड देन वो दिखा रहा है इंस्टा 360। उसका ये दावा करना है कि वो प्रो भाई की है। जब एक्सीडेंट हुआ था यमुना एक्सप्रेस वे पे, तो वहाँ पे आया और वहाँ उसने गाड़ी पे से इंस्टा 360 निकाल लिया और लेके चला गया, ठीक है। और उसको अब पता चला तो वीडियो बना रहा है, बोल रहा है अगर उनके फैमिली वाले उसको मैसेज कर देंगे तो वो कैमरा दे देगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो वीडियो पता प्रो राइडर 1000 की बाइक से इंस्टा 360 डिग्री कैमरा जो मैंने उखाड़ के पूरा ले लिया था, उसमें उसका सारा पूरा एक्सीडेंट का। सॉरी गाइस, मैंने प्रो राइडर 1000 की बाइक से इंस्टा 360 डिग्री कैमरा जो मैंने उखाड़ के पूरा ले लिया था, उसमें उसका सारा पूरा एक्सीडेंट का क्लिप फ्लिप सब कुछ था। यार मुझे मैसेज करो, मैं दे दूँगा। आपको लग रहा होगा कि इंस्टा 360 मिल गया, फिर फुटेज क्यों नहीं आ रही है, क्या हुआ क्या नहीं, अब वो बंदा दे दिया होगा अभी तक तो ये नहीं बोली। तो भाई एक बात ज़रूर बता दे रहा हूँ, ये वीडियो टोटली फेक है, इस पर विश्वास मत करो। एक बंदा है जो मतलब फेम पाने के लिए और वायरल करने के लिए वीडियो बस बनाया था। इंस्टा 360 उनका अलग था और ये अलग इंस्टा 360 है। इसका दावा ड्रैगन जी 900 उनके फ्रेंड ने दावा कर दिया है। सब इंस्टा 360 था वो अलग था और ये अलग है, टोटल फेक है ये पूरा। उनके फैमिली वालों ने भी कह दिया है, ठीक है, इंस्टा 360 मिल जाता तो फुटेज भी वहाँ पर आ जाती और सब कुछ पता चल जाता, ठीक है। तो अभी भी वो इंस्टा 360 नहीं मिला है, तो भ्रम में मत रहिए, ठीक है। सो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपको अपडेट करने के लिए, ठीक है। जो भी प्रॉपर न्यूज़ रहेगी मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे अपडेट दे दूँगा आर्यन ब्लॉग्स पे। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।